हेलो गाइस, अभी हम निकले रात को चक्कर लगाने के लिए और हम यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो खाने पीने में नक्शु क्या खाएगा? नक्शु खाएगा वाइट ढोकरा। और यहाँ पे देखिए सब स्टोर है, यहाँ पे हम लोग खाने के लिए आए हैं। संदीप क्या खाओगे? उस दिन जो बताया था। और मैं खाऊंगी डोसा, तो मेरे लिए तो वही लेके आना। वाइट ढोकड़ा नक्श के लिए, वाइट ढोकड़ा। हाँ, मेरे लिए डोसा। दो साथ में लेके आओ, ये वो खाने जा रहा हूँ। वो छोले कुलचे खाना है? नहीं, मुझे नहीं खाना। आप छोले कुलचे खा रहे हो? वहाँ खड़ा रख के खाऊं? हाँ, तो आप खा लो वहाँ पे जाके। नक्श तो खाना है छोले कुलचे खाएगा तू? नक्शु वाइट ढोकड़ा और मैं खाऊंगी डोसा। पापा वहाँ पर खड़े रहकर खाएंगे बेटा? नहीं खाएगा बेटा, वो यहाँ पे पानी होता है, रसा में गिरेगा इधर। ग्रेवी होता है, पानी होता है, कुछ भी ग्रेवी होता है। तो गाड़ी में नहीं, उनको उनको कंफर्टेबल नहीं लगेगा गाड़ी में खाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ खड़े रहकर वहाँ खाऊंगा। और नक्शु कह रहा है कि पापा आप यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे क्यों नहीं खा रहे? नक्शु तू हर बात पे ऐसे क्यों करता है? नक्शु तू ऐसा घर पे किया? नक्शु बैठे बैठे जो तूने पहले पूरी सेलो टेप खोल दी, उसके बारे में तुझे क्या कहना है बता मुझे? मेरे मन में ही कुछ नहीं आ रहा था, मैं क्या कहूँ? तो तूने ऐसा क्यों किया बता? तो तूने हाथ में ली जब सेलो टेप, तब तुझे ऐसा क्या? अरे अरे, पर मैं लगा रहा था तो पता ही नहीं चला। लगन जरा तो निकल गया, पता ही नहीं चला। मतलब लगाते तुझे पता ही नहीं चला कब खाली हो गई? फिर मैंने देखा जो खाली, अरे मैंने कहा ये खाली कैसे हो गई? इतनी सारी तो भर खाली हो गई, सब मेरे हाथ में बाजे रहती है। पूरी खाली हो गई तुझे पता नहीं चला? हाँ नक्शु, और अगर उस बात पे मैं तुझे धो देती तो तुझे कैसे पता चलता? कैसे पता चलता कि मम्मी ने आज मेरी पिटाई कर दी? नहीं तो मैंने पिटाई की नहीं, इसलिए लगी नहीं ना। ऐसा मत कर, करती तो कैसा लगता तुझे बता तू मुझे? नहीं लगता। बैठे बैठे पूरी सेलो टेप इसने खाली कर दी लड़के को, इसके पापा के आगे ढोकरे। वैसा क्यों है नक्शु? हाँ चल, खा रहे हिल मत कर, सही है। हाँ भाई, ढोकड़ा। हाँ ढोकड़ा लंच ब्रेक में खा, चटनी गिरा देगा लंच ब्रेक वाला। अभी यहीं तेरा लंच ब्रेक हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा, जब लाल चटक हो जाएगा। ये रेडियो का आवाज पापा बंद नहीं करते, और रेडियो में तो गीतों से ज्यादा तो एड चलती है। गीत कम चलते हैं, एड ज्यादा चलती है रेडियो में। विविध भारती बेस्ट है, गाने चलते हैं मस्त, एड वगैरह इतनी नहीं आती। प्राइवेट स्टेशन पे तो बहुत एड आती रहती है, सिर में दर्द हो जाता है। ऐसा है ढोकरा का स्वाद, जीरा बहुत डाला है ढोकरे में। देखिए ये ढोकरे के ऊपर दिखा तो नक्शु, यहाँ पे ये वाइट ढोकरे मिलते हैं, इसके ऊपर ये जीरा है? इतना सारा जीरा डाला है। एक में दो है यार, और मेरे डोसा है। और आप वहाँ खा रहे हैं? चलो ठीक है, आपको कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अभी मैं खा रही हूँ अपना डोसा। देखिए मैंने तो अपना ये प्लेन नहीं है, मतलब मसाला डोसा है, सांबर नहीं है इसके साथ, ये सिर्फ डोसा चटनी के साथ ही मिलते हैं। इसमें आती है ये लाल वाली चटनी, ये ग्रीन वाली चटनी है नारियल की। मस्त है, मस्त है। और आपको मैं बता दूं गाइस, ये सामने ला रही है डोसे की, वहां पे क्या लिखा है मैं आपको दिखा दूं। रुकिए, मसाला डोसा लिखा है, रुकिए मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये सामने क्या लिखा है, मसाला डोसा ओनली 20 रुपीज, रामदेव। देखा आपने, जूम करके मैं दिखा रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। मसाला डोसा ओनली 20 रुपीज, ये जो मैं डोसा खा रही हूँ ना गाइस, ये सिर्फ 20 रुपीज का है। इसमें सांबर नहीं देते, ये देते हैं इसमें। देखिए ये ग्रीन, ये नारियल की चटनी है, और ये लहसुन की चटनी है,
और आलू का उसमें आलू मसाला डोसा है, लेकिन 20 रुपीज में मैं सोचती हूँ ये क्या कमाते होंगे। इसका टेस्ट भी इतना अच्छा आता है गाइस, बढ़िया लगता है। और चाहिए तुझे? नहीं, नक्शु का तो हो गया, तुझे और चाहिए नक्शु? नहीं। हाँ नहीं। मेरा डोसा खाएगा नहीं। तो रखना ये चटनी गिराना नहीं। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि खाली ये डोसा 20 रुपीज का है, लेकिन टेस्ट इतना बढ़िया है गाइस, अच्छी और टेस्टी चीजें मिल जाती है। और यहाँ पे डेली इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है, मुझे नहीं लगता होगा कि ये कभी कुछ बचा के घर पे लेके जाते होंगे, सब खाली हो जाती है। एक तो कम प्राइस है और ऊपर से टेस्ट अच्छा है, ऑब्वियसली बचता तो नहीं होगा। तो मुझे भी ये डोसा खाना था, मैंने तो पहले 20 रुपीज देगा, वैसे मैं पहले भी खा चुकी हूँ, 3-4 बार आके खा के गई हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसका। अरे अगर शाम के टाइम पे आपको भूख लगे, हाँ लो खाओ, नक्शु को भी खाना है, लो डोसा नहीं वो खाना हो क्या डोसा। तो डोसा ही तो खिला रही हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ डोसा ही, चटनी नहीं चाहिए? नहीं, और पेपर? पेपर नहीं, मसाला मिक्स है बेटा, ले ये पेपर आ गया गाइस, बढ़िया है, 20 रुपीज में तो बहुत बढ़िया। गाइस को दिखा गए ना, उनको भी भूख लग जाएगी, गाइस को भूख लग जाएगी इसको। और दोनों संदीप का फोन आ रहा, और नक्शु उसके पापा वहाँ पे छोले कुलचे खा रहे हैं, और ये क्या लिखा है वहाँ पे, और मैं आपको एक और दिखाऊं, ये डोसा है, उसके पीछे देखिए लिखा है 60 रुपीज में, मैं गाड़ी में बैठ के आपको दिखा रही हूँ, 60 रुपीज में अनलिमिटेड छोले कुलचे, 60 रुपीज में अनलिमिटेड छोले कुलचे, जो उसके पापा अभी खाने के लिए गए, और अभी नक्शु भी गया वहाँ पे। छोले कुलचे यहाँ पे गाड़ी में ग्रेवी होती है ना, तो वो नहीं लेके आ सकते, वहाँ पे खड़े खड़े खा रहे हैं, और वो अनलिमिटेड है तो वो वहीं पे खा के आएंगे। मुझे उन्होंने कहा तुम्हें खाने, मुझे कहा संदीप ने तुम्हें खाने, मुझे तो नहीं खाना था, तो अभी नक्शु भी गया वहाँ पे, देखिए उसके पापा का फोन है, नक्शु को खाना है, तो नक्शु भी गया है वहाँ पे खाने के लिए। 60 रुपीज, 20 रुपीज का डोसा, 60 रुपीज का अनलिमिटेड छोले कुलचे, वो भी टेस्टी होते हैं, तो सही है ना। कभी कभी ज्यादा पैसे देने के बाद भी वो टेस्ट नहीं मिलता। कैसा था नक्शु छोले कुलचे खा के आया? यार मम्मी आप एक बाइट करके देखो, मस्त है। मुझे नहीं, मैंने अभी डोसा खाया ना बेटा, अभी मुझे छोले कुलचे की खाने की इच्छा नहीं है, पर मस्त है। तेरे पापा अभी खा रहे हैं क्या? हा? अभी भी खा रहे हैं क्या? एक और लिया पापा को बहुत भूख लगी है, तूने दो कुलचे खा लिए? कहाँ गए तेरे दो कुलचे? अभी तो तू ढोकरे खा के गया था, मेरे कुलचे, तू मेरा कुलचा ही बन गया है। पापा ने दो प्लेट खा ली क्या? पापा को इतने टेस्टी लगे क्या? नहीं नहीं, बहुत दिवस पे ही खा दूँ ना, बहुत दिवस पची खा दूँ। गाइस आपको गुजराती समझ में आता हो? गाइस गुजराती समझती है, समझती है तो कमेंट में लाइक कर दो, कमेंट में लाइक कर दो। भैया हमारी तो गाड़ी फंस गई, देखिए यहाँ पे भी एक्टिवा खड़ी है, वो आंटी ऐसा है भी वो आंटी ऐसे हमें देख रही है, वो भैया आए हटाने के लिए, ये हटाई गाड़ी फिर हमारी गाड़ी निकली। यहाँ सामने भी देखिए ये लड़के एक्टिवा, यहाँ साइड में एक्टिवा, तो गाड़ी कैसे निकाले हम लोग, तो फंस गई हमारी गाड़ी। अरे इतनी, हम उस दिन आए थे यहाँ पे छोले कुलचे खाने के लिए, तो बीच में आए थे ना, तभी नहीं था ये, तो पुलिस वालों ने सब लारियां हटाई थी यहाँ पे। जब ठेले वाले खड़े रहते हैं ना गाइस, तो कभी कभी रात को पुलिस वाले आ जाते हैं, तो इन सबको हटानी पड़ती है यहाँ से ये सब गाड़ियाँ। तो उस दिन संदीप को खाने थे छोले कुलचे, तो हम लोग आए थे यहाँ पे, तो तब ये सब लारियां यहाँ से हट गई थी,
फिर हम लोग वापस चले गए। तो आज फाइनली खा लिए छोले कुलचे, उस दिन खाने थे आज खाए। चलिए मुझे भी उस दिन डोसा खाना था तो मैंने नहीं खाया था, कुलचे में ऐसा नहीं तो है, मैं आज खाया। दो प्लेट में एक प्लेट में अभी इसमें क्या 60 रुपीज में अनलिमिटेड है ना। देखा मैंने वो तो बोर्ड, मैंने गाइस को भी दिखाया 60 रुपीज में अनलिमिटेड छोले कुलचे, और मैंने जो डोसा खाया वो भी था सिर्फ 20 रुपीज का। बढ़िया है ना, और ऐसा नहीं है कि स्वाद में नहीं है, स्वाद के साथ संदीप स्वाद भी सही था। छोले कुलचे कैसे लगे नक्स? नक्शु अभी फोन में बिजी है, कहाँ सुन रहा है देखो। छोले कुलचे कैसे लगे? ए बबुआ क्या अच्छा लगा वो तो बता, क्या बात कर रहे पापा और मम्मी? छोले कुलचे अच्छे लगे। अच्छा तेरा ध्यान है, मुझे लगा तो फोन में घुसा पड़ा है, फोन में ऐसा अंदर चला गया है तो पता ही नहीं चला कि मम्मी पापा क्या बातें कर रहे हैं। सुन लिया अमर बबुआ, सुन लिया बच्चों ने। तो चलिए चक्कर वक्कर लगाने के बाद आ गए हम घर पे वापस। ये हमारे घर का रास्ता, अरे यार चलो ना कैसे। और हमारे घर के एग्जिट से पहले और एंट्री से पहले होते हैं हमें इस मंदिर के दर्शन। अभी तो बंदे देखिए मंदिर के दर्शन होते हैं आते समय जाते समय। हाँ मम्मी क्या, कहाँ चलना है तुझे अभी? नहीं आइसक्रीम अभी कल खाएंगे, तूने कल खाई थी। तो आपका हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब। नक्शु तू फोन में बिजी है तो खाली बाय बोल रहा है, उससे आगे बोल क्या बोलता है तू गाइस को रोज फोन पे वीडियो में आगे आके। नक्शु मस्त बात करता है, मुझे पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपको ऐसे ऐसे अच्छे ब्लॉग मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। डैडी डैडी लगता है आज बहुत थक गए।